हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि हम लोग इंडोनेशिया आए हुए हैं, जकार्ता में हैं हम लोग अभी, और हम लोग होटल में स्टे कर रहे हैं। और ये है होटल की लॉबी, और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। दिल्ली एनसीआर में तो अभी बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, और यहाँ का तापमान मैं आपको बता देती हूँ, 30-32 इतने रहता है, ज़्यादा कुछ उसके ऊपर नहीं जा रहा है। और ऑलमोस्ट दोपहर के बाद तो क्लाउडी रहता है, बारिश नहीं है। जब से मैं आई हूँ तब तो मैंने बारिश नहीं देखी यहाँ की, लेकिन मतलब हम 3-3:30 बजे के बाद मतलब बाहर घूमने जा सकते हैं। चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। सो गाइस, मुझे कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी वैरायटी है। ये तो ये दिख रहा है, बटर जैम, और एक और एक है, और यहाँ पे ब्रेड्स रखी हुई है, और यहाँ पे हम टोस्ट कर सकते हैं, सॉरी ग्रिल कर सकते हैं। और यहाँ पे है ये शुगर के पैकेट रखे हुए हैं, और यहाँ पे कॉफ़ी है, कॉफ़ी, ब्लैक टी और जैस्मिन टी। और यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, और जूसेस है, और यह सैलेड बार। कोकोनट राइस, फ्राइड राइस, यहाँ पे राइस की वैरायटी है, और यहाँ पे है चिकन स्पाइसी पोटैटो केंतम। तो गाइस, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए अब ऑप्शन है कि मैं ब्रेड खा सकती हूँ, और फ्रूट्स ले लूँगी, और ब्लैक कॉफ़ी। और यहाँ बाहर भी बैठने के लिए जगह है। हम लोगों ने नेट से, और मेरे हस्बैंड के जो कलीग्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हमें बताए थे, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि वो फ़ोटोज़ और एक्चुअल जो होते हैं उनमें बहुत सारा फ़र्क होता है। इसलिए हम लोग फिर अभी अपार्टमेंट्स देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों तक रहने वाले हैं, तो होटल में रहने से अच्छा हम लोग अपार्टमेंट्स देख रहे हैं। तो हम वहाँ तक जाते जाते कैब की विंडो से जकार्ता देख लीजिए गाइस, इतनी सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे हैं, देखने को बहुत अच्छा लगता है गाइस, और ट्रैफिक भी बहुत डिसिप्लिन है। सो गाइज, हम लोग अपार्टमेंट देखने आए हुए हैं, तो एक अपार्टमेंट से कुछ ऐसा वाला व्यू दिखता है, पूरा वाइड व्यू है गाइज।
टॉवर के लिफ्ट ऐसे रहते हैं गाइस, और यहाँ पे इंडोनेशियन एड्स चलते रहते हैं। चार पांच फ्लैट्स देख लिए गाइस, कहीं सनलाइट नहीं आ रहा है तो कहीं हम कुछ फ्लैट बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो वो एक ना सनलाइट नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो सनलाइट तो बहुत मस्ट है। और कुछ बहुत ज़्यादा पुराने भी फ्लैट्स अच्छे नहीं रहते गाइस, मतलब हमें जहाँ 24 घंटे रहना है तो पुराने फ्लैट्स लेके क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे तो चाहिए। सो गाइस, हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे और ये स्टूडियो अपार्टमेंट देखने के लिए, और हम लोगों ने अभी तक 3-4 अपार्टमेंट्स देख लिए हैं। और हम लोग 11 बजे निकले थे और अभी बजे है 3:30, और उसमें से अभी एक फाइनल हुआ है और एक और हमें दिखाने वाला एजेंट, तो उन दोनों में से एक फाइनल हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक मॉल में। गाइस बिल्डिंग्स देखिए, पे पौधों पे बिल्कुल भी धूल नहीं है और पूरी ग्रीनरी मेंटेन रखी हुई है, हर जगह पेड़ है। और बोगनवेलिया के तो बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है यहाँ पे। और ये और अभी धूप चली गई है, अभी तक तो धूप थी लेकिन अभी थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है वेदर। गाइस मैं थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ, गाड़ियाँ रुकी हुई है। ये ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल है और आगे एक और मॉल है, शायद हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हस्बैंड को सब पता है यहाँ का, और मैं आई थी यहाँ पे 14 साल पहले, 14 या 12 13 साल पहले, अब मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा यहाँ का कुछ, और तब मैं व्लॉग भी नहीं बनाती थी। फूल लगे हैं गाइस, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है। सो गाइस, हम लोग ये इसी में जा रहे हैं ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल में, और इसका नाम क्या है देखिए, अर्जुना लॉबी। मॉल के एंट्री में ही लिखा हुआ था कि वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, तो मैंने वीडियोग्राफी नहीं की गाइस। और यहाँ पे कोई भी, मैं देख रही हूँ कि कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं निकाल रहा है, सारे जो है ना मतलब एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट्स, तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। तो मैंने भी वीडियोग्राफी नहीं की, और बेटे ने ये कुछ जापानीज डिशेज मंगवा ली है, ये बेटे के लिए है और ये मेरे लिए है, मैंगो जूस और पानी। गाइस वेजिटेरियन बहुत मुश्किल में रहते हैं, और ये हस्बैंड के लिए है, पता नहीं डिश का नाम मुझे नहीं पता। और ये है मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज। गाइस मैं देखो जकार्ता में आने के बाद भी फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ, है प्योर वेजिटेरियन। बस।
सो गाइस, अब जैसे मुझे आके यहाँ पे हम लोग 18 को यहाँ पे आए थे और आज है 19, तो मैं इस दौरान मैंने देखा कि यहाँ पे सब कुछ जैसे पास पास ही है, जैसे मॉल्स हो गए, हाँ, और जैसे रेजिडेंशियल जो टावर्स होते हैं वो भी पास पास में ही है, और होटल्स जो है तो वो भी पास है। और जैसे हमारे भारत में ओला, उबर, ये कैब सर्विसेज चलती हैं, वहाँ ऐसे यहाँ पे भी है कैब सर्विसेज, तो आप कैब करके आप जा सकते हो कहीं भी आपको जाना है तो। सो गाइज, अब ये ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल से हमारे होटल तक का जो रास्ता है वो देखते देखते चलते हैं। गाइज, ये जो चौराहा है या फिर राउंड जो है, ये बहुत ही फेमस प्लेस है जकार्ता की। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसका क्या नाम है, लेकिन ये मतलब इसका मतलब होता है वेलकम टू जकार्ता। तो अभी अंधेरे में तो मतलब मेरे मोबाइल से इतना कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत फेमस चौक है और इसका कुछ नाम भी है। तो अगर दिन के उजाले में हम लोग कभी फिर से आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी इसको, लेकिन ये एक फेमस जगह है यहाँ की। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट में आप लिखिए कि इस चौक का या फिर इसका नाम क्या है। सो गाइस, अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि दोपहर में इतने सारे हम लोग फ्लैट देख चुके हैं और वो देखते देखते उसके बाद हम लोग फिर ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल भी गए थे, वहाँ पर भी अंदर बहुत चलना पड़ा था। तो अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको मेरा ये इंडोनेशिया जकार्ता सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। और कल फिर से मिलते हैं मेरे डेली ब्लॉग्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।